आज हमने यहाँ तारहामा और मीरगंज जो हमारा सीड स्टेशन है, बेसिक स्टेशन, इनका दौरा किया। हमारे साथ ये हमारा एडिशनल डायरेक्टर था कश्मीर डिवीजन का, हमारा पीओ साहब था, फार्म मैनेजर था जो यहाँ मीरगंज का है, तारहामा का है। तो आज हमने जायज़ा लिया कि जो हम पहली बार कश्मीर डिवीजन में रेयरिंग, सेकेंड फेज ऑफ रेयरिंग कर रहे हैं, ये पहली बार हम कर रहे हैं ऑन ट्रायल बेसिस। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, एक तो वो बढ़े, दूसरा जो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी हम जो सेकंड रेयरिंग होती है, साल में तो हम दो बार करते हैं स्प्रिंग और समर, लेकिन इस बार हमने मिड सेशन में भी ये स्टार्ट किया है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ना चाहिए, हम ये सीड अपने लेवल पर भी बना देंगे और फार्मर्स तक भी पहुंचा देंगे, ताकि फार्मर्स भी रेयरिंग करें और उसके भी 10 पैसे उसकी आमदनी भी बढ़ जाए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह इस साल तो ट्रायल में है। अभी हमने जो आज दौरा किया तो हमने देखा कि हर एक जगह सक्सेसफुली ये हो रहा है, और हमारे पास एक लीफ नॉलेज का बड़ा बैंक भी है, हर एक जगह अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा, और जो भी इश्यूज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो हम इलेक्ट्रॉनिक थ्रू सोशल मीडिया भी अपने जो हमारे अमला है तमाम J&K में, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अवेलेबल रहे हमारे रेयरर के लिए, जो भी इसको सहूलियात हैं, क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट है जहां हम मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एक रेयरर को देते हैं, चाहे वो उसका शेड हो, चाहे उसका इक्विपमेंट हो, चाहे जो हम उसको वर्म्स बना के देते हैं, मार्केट देते हैं, या फिर दूसरा जो हम उसको एक वेयर हाउस फैसिलिटी देते हैं कोकून बैंक की। तो हर एक चीज़ में हम मावनत करेंगे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ यही गुजारिश हमेशा करते रहे हम अपने किरम कश से कि वो हमसे जुड़े रहे, हमसे बने रहे, ताकि वो जो हमारे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो भी फ़वाद है वो हमारे एरिया तक पहुँचे।